हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आज की वीडियो में आपके लिए लेके आऊँ कि हम कैसे यहाँ पे डबल टैप टू वेक स्क्रीन को इनेबल कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, मैं आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट कर लेने से पहले लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो गाइस, आपको क्या लेना, आपका हमें जाना है मोबाइल सेटिंग पर। तो गाइस, यहाँ पे मोबाइल सेटिंग पर चलते हैं। और ये गाइस, आपको यहाँ पे ओप्पो का फ़ोन दिया गया है। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे काफ़ी सारी फंक्शन दी गई है, जिसमें से आपको क्या लेना, आपका हमें चले जाना है मोबाइल सेटिंग के फंक्शन में। तो गाइस, आपका मोबाइल सेटिंग का आइकन मिल जाता है, जिसको मैंने ओपन कर लिया। तो गाइस, यहाँ पे आपको मोबाइल सेटिंग का आइकन तो मैंने ओपन कर लिया। ओपन कर लेने के बाद आप गाइस क्या कर लेना, जैसे कि मैं आपको बता दूँ, आपके यहाँ पे काफ़ी सारी फंक्शन नाम दिए गए हैं। तो गाइस, जैसे कि मैं आपको बता दूँ, आपके यहाँ पे होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन का ऑप्शन को ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद आपको गाइस नीचे जाना है। नीचे जाना तो आपके यहाँ पे मिलता है डबल टैप टू वेक टर्न, नहीं वेक स्क्रीन। तो गाइस, हमें क्या लेना है इसको इनेबल। तो गाइस, यहाँ पे आप क्लिक कर लेंगे। क्लिक कर लेने के बाद आपको गाइस क्या हो जाता है, ये इनेबल। तो गाइस, यहीं पे हमारी वीडियो समाप्त हो जाती है। और अगली वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।